हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल इस वीडियो में हम क्लास फोर के इंग्लिश ओलंपियाड को देखेंगे जो 2022 में हुआ था इसमें 35 फाइव हैं और वन आवर मिलता है इसी ओलंपियाड के बेस पर आपको 2023 के ओलंपियाड में बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे या फिर इनके जैसे ही जो पैटर्न होता है क्वेश्चन का पैटर्न ऐसा ही रहता है तो चलिए देखते हैं इन क्वेश्चन का क्या स्टैंडर्ड है क्या क्या पूछा जाता है जैसे क्वेश्चन नंबर वन टू सेवन में आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे गए हैं आपको सेंटेंस का सेंस देख के अनुमान लगाना है कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा आपको चार ऑप्शन दिए रहेंगे और एक इसमें से करेक्ट रहेगा तो जैसा कि फर्स्ट में है माई डैश इज़ गोइंग टू लंडन फॉर बिजनेस तो जैसा कि आप इधर देखेंगे इज सिंगुलर है बाकी में सब में एस लगा है पेरेंट्स अंकल्स फ्रेंड्स तो जो सिंगुलर होता है इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा माई फादर इज गोइंग टू लंडन फॉर बिजनेस क्योंकि यहाँ हमें वर्ब देखना जर, बहुत ही ज़रूरी है कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है कि प्लुरल उसी के अकॉर्डिंग फिर आप ऑप्शन में जाएंगे जैसे क्वेश्चन नंबर टू है दे लॉस्ट डे सुटकेस एट द रेलवे स्टेशन तो दे का जो होता है दे के साथ क्या आएगा देयर ओके क्वेश्चन नंबर थ्री है शिवानी लाइक्स टू प्ले डैस द गिटार एंड द पियानो तो शिवानी लाइक्स टू प्ले प्ले आ गया क्योंकि एस पहले वर्ब के साथ आ गया ओके क्वेश्चन नंबर फोर है जैसे रितिका डैस सीड्स इन हर गार्डन यस्टरडे तो पास्ट की बात हुई है तो पास्ट में आपका पास्ट कंटिन्यूस क्या क्या आता है रितिका सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हमें पता है वोज सोइंग आ जाएगा इसमें ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जैसे जॉन्स ग्रैंडफादर इज डैश यूरोपियन सिटीजन तो ए यूरोपियन सिटीजन आ जाएगा इसमें आर्टिकल का भी पूछा जाता है इसमें अब आपने ऊपर वाले में देखा होगा टेंस भी पूछा जाता है अब इसमें देखेंगे प्रीपोजिशन भी पूछा जाता है मोम सेट दैट सी वुड बी बैक विद इन एन आवर ठीक है तो ये प्रीपोजिशन से रिलेटेड है अगला कंजक्शन देखो कंजक्शन से रिलेटेड है जो पार्ट ऑफ स्पीच हम कराते हैं क्लास फोर में शायद हो जाता है ये वुड यू लाइक टू कम विद अस डैश स्टे एट होम तो आप कोई किसी से पूछ रहा है फ्रेंड होगा वुड यू लाइक टू स्टे विद अस और स्टे एट ऑफ होम ठीक है तो ये कंजक्शन का था इसमें आपको कंजक्शन भरना था उसके बाद क्वेश्चन नंबर एट और नाइन में आपको अंडरलाइन बताना है कि नाउन है कि नाउन प्रीपोजिशन है कि वर्ब है तो इन साइड आउटसाइड इन एट ऑन ये सब क्या होता है प्रीपोजिशन होता है उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन में देखिए माई अंकल डोनेट्स मनी टू दिस चैरिटी तो चैरिटी इधर क्या है तो चैरिटी में दान करते हैं कोई संस्था का नाम है तो ये नाउन है नेम ऑफ एनी प्लेस पर्सन थिंग ये सब क्या होता है नाउन होता है उसके बाद क्वेश्चन नंबर टेन और इलेवन में एरर है सेंटेंस में मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब होगा या प्लूरल सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब होगा आपको ये देखना होता है कि कहाँ गलत हुआ है अब जैसे इसमें हाँ प्रीपोजिशन का भी एरर हो सकता है ओके रोहित गोज़ टू टेम्पल विद हिज मदर रेगुलर तो रेगुलर की बजाय रेगुलरली आना चाहिए था इसमें तो इसमें थोड़ा ये आपको देखना होता रोहित के साथ गोज लगा है, सही है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब सिंगुलर वर्ब में वर्ब के साथ एस या आई ई एस लगा रहता है प्लूरल वर्ब वो होती है जिसमें एस या आई ई एस नहीं लगता अगर यहाँ रोहित रोहित एंड हर मदर होता तो फिर गो आ जाता उसके बाद क्वेश्चन नंबर इलेवन इलेवन में भी ऐसे ही पूछा गया है आपको एरर छाटना था दिस रेस्टोरेंट सोज द बेटर चाइनीज फूड इन सिटी तो बेटर की बजाय बेस्ट आता है जब बहुतों में से कोई एक स्पेशल हो तो वो बेस्ट आता है बेस्ट चाइनीज फूड इन द सिटी हाइएस्ट टोलेस्ट ऐसे आता है ना कोई लॉन्गेस्ट रिवर लार्जेस्ट रिवर लार्जेस्ट सी लॉन्गेस्ट पीक हाइएस्ट पीक सब ऐसे आता है ठीक है तो सुपरलेटिव डिग्री आती है जहाँ बहुतों में से एक ही बात होती है उसके बाद आपसे करेक्ट स्पेलिंग पूछा जाएगा ये कलीग का स्पेलिंग है कलीग जो मतलब साथ में काम करते हैं तो उसका स्पेलिंग होता है सी ओ डबल एल ई ए जी ई और उसके बाद स्ट्रेटेजिक है स्ट्रेटेजिक ओके तो इसका स्पेलिंग सही थर्टीन का ए होता है तो आपसे स्पेलिंग भी पूछा जाएगा उसके बाद शिनियम और एंटोनियम भी पूछा जाएगा तो शिनोनियम मतलब सेम मीनिंग सेम मीनिंग वाला एनचेंटिंग तो एनचेंटिंग का इधर पूछा गया था और आउटस्कर्ट्स आउटस्कर्ट्स का एंटोनियम पूछा गया था एनचेंटिंग का सिनोनियम पूछा गया था तो आपकी बार भी ऐसे ही मिलेंगे एंटोनियम सिनोनियम और स्पेलिंग से मैं वीडियो लेकर आ रहा हूँ मेरे मेरे चैनल में दो तीन दिन में शायद मैं बनाऊँगा उसके ऊपर तो आपको बहुत सारे एंटोनियम सिनोनियम सेम मीनिंग आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा टाइम टू टाइम मैं छः सात वीडियो डालूंगा इसमें इंग्लिश ओलंपियाड से रिलेटेड तो वो आपको देखती देखनी है मतलब इस ओलंपियाड के लिए उसके बाद ईजिएस्ट क्वेश्चन होता है इस ओलंपियाड का बस आपको पैराग्राफ पढ़ना है पैराग्राफ पढ़ के आपको उसका आंसर देना होता है तो ये आपके लिए इजी रहेगा मेरे ख्याल से क्योंकि चार से पाँच से दस चार पाँच मिनट लीजिए आप पाँच मिनट में अच्छे से पैराग्राफ पढ़िए और तुरंत फिर आपके फाइव क्वेश्चन पैराग्राफ में से देख के हो जाएंगे सिक्सटीन टू ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन होते हैं तो आराम से आप उन क्वेश्चंस को देख पाएंगे जैसे कि जो पैसेज था ये स्पेस स्पेस में गई थी कौन है वेलेंटीना तेरेस्को ठीक है तो उससे रिलेटेड था उसकी क्या क्या हॉबी थी ये पूछा गया है और उसका मिशन क्या था सोलो अकेले गई थी वो कितना आवर स्पेंड किया था आपको पैसेज में मिलेगा सब देखने की ज़रूरत नहीं है इंडक्टेड का मीनिंग पूछा गया था एक वर्ड का ठीक है तो बस आप आराम से ध्यान लगाकर समझिए पैराग्राफ को उसको पढ़िए ऐसे ही ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी फाइव मतलब दस नंबर पैराग्राफ के जो आपको गिफ्ट में मिल सकते हैं अगर आप ईज़िली इनको समझेंगे करेंगे प्रैक्टिस करेंगे आपको इनके लिए प्रैक्टिस भी करना बहुत ज़रूरी है कहीं भी पैराग्राफ का आपको मिलता है तो उसको पढ़िए उसका क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तब आपका थोड़ा स्पीड ज़्यादा बढ़ेगा अच्छे से पैराग्राफ पढ़िए और फिर उसका आंसर दीजिए जैसे ये पैराग्राफ था ये द बेबी माउस के ऊपर था वेयर वॉज द बेबी माउस बोर्न तो इसमें आपको अच्छे से दिया रहता है इन ए कार्गो ऑन न कार्गो शिप ऐसे ही मतलब पैराग्राफ के जो क्वेश्चन होता है मैं तो उनको बहुत ईजी मानता हूँ उसके बाद आता है आपका स्पोकन एंड रिटन एक्सप्रेशंस मतलब ये भी पूरा टोटली ग्रामर के ऊपर है कि कहाँ आप क्या यूज करेंगे कौन सा वर्ब सही रहेगा कौन सा प्रीपोजिशन सही रहेगा कौन सा नाउन कहाँ फिट बैठता है कौन सा प्रोनाउन कहाँ फिट बैठता है उसके ऊपर है जैसे माइक एवरी वन इज रिक्वेस्टेड टू डोनेट फूड फॉर द पुअर ऐसे ही जैसे ये तो वर्ब से रिलेटेड था ये जैसे प्रीपोजिशन से रिलेटेड है आई एम गोइंग फॉर ए स्विम आर यू कमिंग डू यू बिलीव इन सुपर नेचुरल थिंग्स तो ये नो आई डोंट उसके बाद अगला टेंथ से रिलेटेड है। हैव यू बीन टू स्कूल टुडे थर्टी माई बैग इज एज लाइट एज एन फिदर मतलब इतना हल्का है कि वो पंख हो ठीक है तो ये क्वेश्चन क्या है बिल्कुल आपकी अंडरस्टैंडिंग पे है आपने आज तक इंग्लिश में क्या सीखा वो सब पूछा जाता है उसके बाद इस सेक्शन का इस ओलंपियाड का इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है अचीवर सेक्शन क्योंकि इसका एक क्वेश्चन थ्री मार्क्स का होता है तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इसको सोल्व करना तो थर्टी वन से थर्टी फाइव फाइव क्वेश्चन है वो थ्री मार्क्स के होते हैं अचीवर सेक्शन में तो चलिए देखते हैं इनको तो पहला क्वेश्चन है जैसे सिंपल सेंटेंस है दिस इज़ द डैश मूवी आई हैव एवर सीन तो जब ऐसी बात हो जो आपने उसे पहले कभी नहीं देखी हो तो वहाँ से ऊपर लेटिव डिग्री आता है दिस इज़ द बेस्ट मूवी आई हैव एवर सीन मतलब जितनी भी मूवी देखी है उनमें सबसे अच्छी थी तो सेंस को आपको समझना है सेंटेंस का उसके बाद आपको आंसर पर जाना है द बेबी इज स्लीपिंग साउंडली मतलब खराटे मार के कोई सोता है तो उसमें क्या होता है आवाज आती है उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री है जैसे इसमें एरर है एरर पूछा गया है द आई विल बी वेट फॉर यू एट द लाइब्रेरी ओके तो इसमें बी वेट में एरर था उसके बाद देखो फिर से स्पेलिंग आ गया और ये आ गया प्रीपोजिशन तो शिनोनियम ऑफ मारवेलस पूछा गया था मारवेलस का शिनोनियम क्या होता है इसका होता है फेंटेस्टिक मैंने बताया है कि मैं वीडियो लेके आऊँगा चार पांच शिनोनियम और एंटोनियम्स के ऊपर तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए उनको देखिए और ताकि आपको इस ओलंपियाड में अच्छी रैंक मिल सके क्योंकि आपको उन्हीं में से देखने को मिल जाएगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कम्प्लीट द कन्वर्सेशन मदर आई एम हीडिंग आउट टू द मार्केट टेक केयर ऑफ योर तो इसमें ये आ जाएगा तो इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी होगी प्रीपोजिशन की प्रैक्टिस करनी होगी मतलब पार्ट ऑफ स्पीच जितना भी है नाउन प्रोनाउन वर्ब एड वर्ब एडजेक्टिव कंजक्शन इंटरजेक्शन और प्रीपोजिशन ये सब का प्रैक्टिस करना होगा और एंटोनियम सिनोनियम स्पेलिंग का प्रैक्टिस करना होगा उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा आप वो देख लेंगे तो बहुत रहेगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो